नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ दोपहर के 1 बजे बड़ी खबर के साथ होगी शुरुआत। मुंबई में रेप की पीड़ित महिला की मौत हो चुकी है। राजवाड़ी अस्पताल में एडमिट होने के लगभग 33 घंटे के बाद पीड़िता की मौत हो चुकी है। ये जानकारी, राजवाड़ी अस्पताल में महिला भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी लगातार महिला। जिस तरीके से बर्बरता इस महिला के साथ हुई थी, रेप पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। राजवाड़ी अस्पताल में महिला भर्ती थी, लगभग 33 घंटे तक जिंदगी के साथ उसकी जंग जारी थी जिंदगी को जीतने के लिए, लेकिन आखिरकार इस महिला ने दम तोड़ दिया। 33 घंटे तक मौत से लड़ती रही, इलाज जारी था, वेंटिलेटर पर थी ये महिला, और अब उसकी मौत की खबर मिल रही है। राजवाड़ी अस्पताल है मुंबई का, इस तरीके से साकिना का इलाके में मुंबई के महिला के साथ बर्बरता की तमाम हदों को पार किया गया था, बर्बरता की गई थी, जिससे पूरा देश शर्मसार है, निशब्द है पूरा देश। मुंबई की निर्भया लगातार उसके लिए न्याय की मांग उठ रही है, ये आवाज़ उठ रही है। इलाज के दौरान रेप पीड़िता की मौत की खबर, इस बड़ी खबर पर 10 अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच कुछ संगीन सवाल हैं, कुछ बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर बात करेंगे। मुंबई की निर्भया को न्याय आखिरकार कब मिल पाएगा? 33 घंटे की जंग को, जिंदगी की जंग को ये महिला हार चुकी है, ये बेटी हार चुकी है। सवाल ये है कि इस बिटिया को इंसाफ आखिरकार कब तक मिलेगा? मुंबई की निर्भया को न्याय कब तक मिल पाएगा? सिस्टम नाकाम है, इसीलिए मुंबई में निर्भया कांड है। मुंबई की बेटी से बर्बरता का हिसाब आखिरकार कब तक पूरा हो पाएगा? सिस्टम की नाकामी और उससे जुड़े तमाम सवाल जी न्यूज लगातार उठाएगा। तो सवालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, हम लगातार सवाल उठाएंगे। इस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सवाल उठ रहे हैं, जो कि 33 घंटे के बाद अपनी जिंदगी की जंग को हार चुकी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मुंबई में हैदराबाद जैसा इंसाफ हो पाएगा या फिर नहीं? याद दिला दें आपको, तारीख थी 28 नवंबर, साल था 2019 का। हैदराबाद में गैंगरेप के बाद हैवानियत की ये घटना सामने आई, और इसके बाद हैदराबाद की पुलिस ने डॉक्टर के साथ रेप करने वाले चारों आरोपियों का एनकाउंटर किया। अब 10 सितंबर 2021 को दोबारा से मुंबई में महिला के साथ रेप हुआ है। मुंबई की बेटी को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। कैसे मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। कब तक मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। लगातार जी न्यूज अपनी इस आवाज को बुलंद करेगा, इन सवालों को पुरजोर तरीके से उठाएगा। जिस मुंबई में, देखिए, जिस मुंबई में ये रेप हुआ है, वहां पर रेप के मामले लगातार बढ़ते गए। साल 2016 से शुरुआत करते हैं, 712 रेप केसेस साल 2016 में दर्ज हुए। आगे बढ़ेंगे, साल 2017 में ये संख्या 287 रही, रेप केसेस की संख्या 2017 में 287, 2018 तक 319, यानी कि इजाफा हुआ इन केसेस में। और 2018 के बाद बात करेंगे 2019 की, 394 रेप केसेस आए हैं सामने। एनसीआरबी के मुताबिक, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2019 तक के, लेकिन ये आंकड़े बढ़े हैं, ये आंकड़े डराते हैं, और लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी है, जिस पे नज़र हमारी लगातार थी, रेप पीड़िता ने आखिरकार, मुंबई की निर्भया ने दम तोड़ दिया। और इस खबर पर और करते हैं बात। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मुंबई से अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं। आपको बताएंगे हम लगातार कि भारत की बेटियां क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरे साथ, मैं देख पा रही हूँ, दीक्षा पांडे हैं मेरी सहयोगी। ग्वालियर जाऊंगी, वहां से शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं। शिमला जाऊंगी, समीक्षा राणा मेरे साथ, मैं देख पा रही हूँ, जुड़ चुकी हैं। बेंगलुरु से संवाददाता जयपाल शर्मा हमारे साथ, जो आपको देश की बेटियों की, देश की आवाज़, देश की बेटियों की आवाज़, देश की बच्चियों की आवाज़, देश की महिलाओं की आवाज़, ये सब सुनाएंगे। लेकिन पहले मैं जाऊँगी मुंबई, अंकुर त्यागी के पास। अंकुर, 33 घंटे की जो जद्दोजहद थी जिंदगी को जीतने की जंग को, एक बेटी हार चुकी है, इसी के साथ उसके न्याय की आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है? लगातार कोशिश थी डॉक्टर्स की कि ये बच्ची बच जाए, ये महिला बच जाए, लेकिन आखिरकार जंग हार चुकी। निधि, आज के दिन की जो सबसे बुरी खबर है वो यही लगी हमें कि 33 घंटे की लगभग अपनी जंग लड़ी उस महिला ने,
लगातार वो कोशिश करती रही, डॉक्टर्स कोशिश करते रहे, पूरी टीम कोशिश करती रही कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन जिस तरह से बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, उसके जो इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है उसको बाहर निकाल लिया गया था, इसलिए इमरजेंसी में उसको पहला एक ऑपरेशन किया गया था, लगातार वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। लेकिन अब से एक घंटे पहले ये खबर आती है जो पीड़ादायक है हमारे लिए नहीं, पूरे भारतीय समाज के लिए, कि वो जो महिला हैं, जो पीड़िता हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अभी मैं आपको एक नज़ारा अपने कैमरामैन से कहूँगा, बोलूँगा, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग काफ़ी बढ़ गई है और अभी पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो मुझे लगता है इसी तरह की घटना बार बार घट रही है। इसका मतलब कानून का डर, कानून का भय किसको नहीं, और यह घटना बार बार होते हुए सरकार का किसी तरह का नियोजन प्लानिंग दिख नहीं रहा है। दिशा कायदा लाएंगे, शक्ति कायदा लाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। और मेरी सरकार को प्रार्थना है, इसका प्रायश्चित आपका ही है, अगर आप जो घटना घटने के बाद कुछ उपाय योजना करते तो ये नहीं घटता था, इसलिए इसको जिम्मेदार सरकार है। मुझे लगता है अभी तो यह महिला का जो देहांत हुआ है तो उसका तो प्रायश्चित लेके वापस ये घटना नहीं हुई, इसके लिए ख्याल कर। मैं आपको एक बात और बताऊं निधि, इस मामले में पॉलिटिकल हलचल जो है वो तो अपनी जगह पे बढ़ ही रही है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी अब सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले वो अब से 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर कि किन हालातों में घटना घटी, उसके बाद पुलिस ने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंची है। तो और जहां तक हमारी जानकारी है, थोड़ी देर के बाद ही विपक्ष के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस वो भी मीडिया से बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकती हैं पॉलिटिकल अखाड़ा यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पूरा प्रमाइसिस है हॉस्पिटल का, यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी हो, थोड़ी देर पहले तो जो चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके कार्यकर्ता यहाँ पर बाकायदा पॉलिटिकल नारेबाजी भी कर रहे थे। तो ये एक पॉलिटिकल अखाड़ा इस हॉस्पिटल में अब शुरू हो चुका है, यहाँ पे इतने सारे मरीज अभी भी एडमिट हैं। बिल्कुल अंकुर, देश की बेटी तो रही नहीं, न्याय मिलता रहेगा, कार्रवाई होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी। सबसे बड़ी विडंबना है किस तरह के अपराध जो हो रहे हैं, कल भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, उसको रोकने की दरकार है, सिस्टम को और दुरुस्त करने की दरकार है, बेटियों को भी सुरक्षित रहने के लिए जिस तरीके से तमाम जो कोशिशें होती हैं वो अब तक नाकाफी है। यही वजह है कि एक और बेटी को देश ने खो दिया, एक 30 साल की महिला ने आखिरकार जिंदगी की जंग को हार गई, 33 घंटे तक जद्दोजहद थी। इस खबर पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे। अंकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ भारत की बेटियां भी हैं, देखिए हम दिल्ली जाएंगे, दीक्षा पांडे को मैं देख पा रही हूं। दीक्षा, देश की बेटी को हम खो चुके हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजाही शुरू हो चुकी है, हर कोई अपना हित साधने के लिए वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन इंसाफ की आस बुलंद करने के लिए जी न्यूज़ की कोशिश जारी है कि जो निर्भया है मुंबई की उसको न्याय मिल पाए। समीक्षा मेरे साथ जुड़ गई हैं। समीक्षा, आपके आसपास अगर महिलाएं हैं उनसे बात कीजिए, जानिए, समझिए कैसा महसूस करती हैं वो, क्या चाहती हैं वो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो काफी ज्यादा रोष जो है महिलाओं में, खास तौर पर युवा में ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देश के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना वाकई में शर्मसार करने वाली होती है। देखिए, मुंबई में एक रेप केस हुआ है, महिला की मौत हो चुकी है, 33 घंटों की जद्दोजहद के बाद मौत हो चुकी है, तो कैसा लगता है जब इस तरह की घटना सामने आती है? जब भी ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो ऑब्वियसली बात है, दुख भी लगता है और डर भी लगता है कि एक्चुअल इंडिया में जहाँ पर नारी को पूछते हैं वहाँ पर लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ, चाहे वो माइनर्स हैं, मेजर्स हैं, सबके साथ सिस्टम कुछ इस तरह की होती है, तो इट्स वेरी हार्ड। मुंबई में एक रेप केस हुआ है, 33 घंटों की जद्दोजहद के बाद महिला की मौत हो चुकी है। जब रेप केस होते हैं तो एक महिला होने के नाते किस तरह का भाव जो है वो सामने आते हैं?
मतलब डिस्कस्टिंग फील होता है कि लाइक हम लोग हैं, लाइक हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे दिन में हो चाहे शाम को, आपको अपने कपड़ों से दर्द किया जाता है, किसी भी चीज़ से आप उससे कमेंट मार सकते हो और ये सब कुछ कर सकते हो. बट आई डोंट थिंक कि इतना डेवलपमेंट के बाद भी आज भी ये सारी चीज़ें हो रही है, और इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी गवर्नमेंट आई डोंट थिंक तो भी कुछ कर रही है. देखिए जिस तरह से जब भी इस तरह की कोई भी दुष्कर्म होता है, इस तरह की कोई भी घटना होती है, तो युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश जो है वो दिखता है, कहीं ना कहीं एक मायूसी जो है वो दिखती है. यहाँ पर और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो कैसा लगता है उन्हें. जी जी देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है पूरे वर्ष के लिए, लेकिन अगर बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है देवभूमि, वो भी कहीं भी इससे अछूता नहीं है. जिस तरीके से जो सरकार है वो जो है उनका जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है. अगर कोर्ट की भी बात करें तो आज तक जितने भी जो है रेप केस हुए हैं उनमें जो है वैसी सजा नहीं मिल पा रही जैसी मिलनी चाहिए थी, जिससे इस चीज को जो है बढ़ावा मिल रहा है. ये इससे पहले दिल्ली की भी अगर बात करें तो आज मुंबई की हम बात करें अगर तो वहां पे भी इससे भी जो है बदतर जो है एक रेप केस सामने आया था, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. सरकार जो है अपना काम नहीं करने, जिस तरीके से नेता ही अगर संलिप्त हो पिछले दिनों की अगर बात करें तो कश्मीर में भी मामला, और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है गुड़िया रेप केस जो है आज तक उसमें जो दोषी है उसको जो है यहाँ की जो जनता है वो दोषी नहीं मान रही है. समीक्षा में लौटूंगी आपके पास. समीक्षा मेरे साथ मेरी सहयोगी शिमला से लाइव है, उनके साथ शिमला की तमाम लड़कियां मौजूद हैं, तमाम युवा मौजूद हैं, उनसे वो बात कर रही हैं. इस बीच इस तरीके से एक और बेटी को देश ने खो दिया है, मुंबई की निर्भया 33 घंटे की जिंदगी की जंग को आखिरकार हार गई है. 10 अपडेट आपको देते हैं. ये मामला साकिना का रेप पीड़िता की मौत का है. 33 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होने के बाद आखिरकार अब से कुछ देर पहले दुखद समाचार आता है कि ये महिला जो है हमारे बीच नहीं रही. राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती थी पीड़िता. पीड़िता से बर्बरता की बात सामने आई थी. पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दोपहर 3 बजे मुंबई के पुलिस कमिश्नर की प्रेस वार्ता पर नजर होगी. साकिना का रेप मामले में तमाम जानकारियां साझा करेंगे. गुरुवार की रात 8 बजे अपने बहन के घर जा रही थी पीड़िता, ये गार्ड ने बताया है. रेप के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, गुरुवार रात का बताया जा रहा है ये फुटेज सामने आया है. महाराष्ट्र की सरकार पर विपक्ष के संगीन सवाल लगातार उठ रहे हैं. जयपाल शर्मा मेरे साथ बैंगलोर से हैं. बेंगलुरु से जयपाल शर्मा. जयपाल, एक महिला अपने घर से निकलती है अपनी बहन के घर जाने के लिए, वापस नहीं लौटेगी सोचा ना था. 33 घंटे तक जूझती रही जिंदगी की जंग को जीतने के लिए, आखिरकार हार गई. आप बेंगलुरु में हैं, बड़ा शहर है, महानगर है, महिलाएं कितनी स्वतंत्र खुद को महसूस कर पाती हैं, क्या वो खुद को महफूज कर पाती हैं? लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से देश के बड़े शहर में महानगर मुंबई में चरमरा गया, बहुत सारे संगीन सवाल उठ रहे. जयपाल शर्मा जी. बिल्कुल, देखिए जो ये सवाल है ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है. इस वक्त जो हूँ मैं बेंगलुरु में मौजूद हूँ और मेरे साथ कई महिलाएं मौजूद हैं और इनके सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि रेप पर रेप, रेप पर रेप ये घटनाएं रुकती नहीं हैं और हमेशा कोई ना कोई निर्भया इसकी शिकार हो जाती है. मैं इन्हीं से जानता हूँ कि दरअसल इनके मन में क्या सोचती हैं, ये कैसा लगता है जब इस तरह की घटनाएं उभर करके सामने में आती हैं. भय लगता है, डर लगता है या आक्रोश होता है अंदर में? डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है. अभी अपने बेटियों को बाहर भी भेजो नहीं भेजो वो भी प्रॉब्लम है, और बेटी को बाहर तो भेजना पड़ेगा, पढ़ाई भी करवानी पड़ेगी. गवर्नमेंट को कुछ तो इसके प्रति लेना चाहिए ना. बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट को इसके प्रति लेना चाहिए. आप क्या सोचती हैं, क्या आपको लगता है कि जो कानून बन रहे हैं या जो दोषी हैं क्या उनको हम सही तरीके से सजा दे पा रहे हैं या समाज के अंदर में इस मैसेज को भेज पा रहे हैं? सरकार की लापरवाही बहुत है इसमें. ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे ऐसे अपराध करने से पहले भी उनको उनकी नींद उड़ जाए. लोग अवेयर नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन ले रखे हैं. हमारा गवर्नमेंट बहुत स्लो है, वो इमीडिएटली कुछ करता नहीं है. बहुत से देश में जो तुरंत
फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू तुरंत अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। आपको क्या लगता है, आपको डर लगता है, आप क्या सोचती हैं जब इस तरह की घटनाएं आती हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि मैसूर में भी किसी तरह से गैंगरेप की घटना आई और अब ये मुंबई की घटना, क्या लगता है चीजें बदल रही है या सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। हम भी एक बेटी है, हम भी किसी की बहन है, बाहर जाते हैं तो बहुत डर लगता है। अगर बाहर जाए और चाहे तीन चार भेड़िया में घेर ले तो हम क्या कर सकते? सरकार बिल्कुल भी कदम नहीं उठा रही है अपने खिलाफ। क्योंकि जो क्या चाहती हैं आप, इस तरह के अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। हमारी भी बेटियां भी बड़ी हो रही है, उनको भी कुछ तो हमें डर लगता है। शिक्षा कैसे दे पाए इनको पूरी तरह से, इनको कैसे बढ़ाए? बाहर भेजे डर लगता है, पता नहीं कब घर पे आएगी। हम खुद बाहर जाते हैं तो डर लगता है बहुत। तो देखिए, इस तरह से ये महिलाएं जो हैं, इनकी आप बात सुन करके सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि एक तरह का भय का वातावरण हमेशा व्याप्त है। जब ये घर से बाहर निकलती हैं कहीं ना कहीं एक आशंका जरूर होती है अपनी सुरक्षा को लेकर के। अभी आपने सुना एक माँ जो कह रही है कि उसके पास एक बेटी है जो बड़ी हो रही है, उसको बाहर भेजने में भी उसको डर लगता है। और जो चीज़ें हो रही हैं इस दौरान, जो भी कानून में बदलाव हो रहे हैं, क्या उसको सही तरीके से हम समाज के अंदर भेज पा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएँ ना हो पाएँ? क्योंकि निर्भया के बाद हम देखें, हैदराबाद की घटना को देखें, कुछ दिन पहले मैसूर के अंदर में गैंग रेप हुआ और अब ये मुंबई की घटना, घटनाओं पे घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। बिल्कुल जयपाल, ये और ऐसी हर घटना सोचने पर मजबूर करती है जो मौजूदा कानून है क्या उसका खौफ इन अपराधियों में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को और कितना दुरुस्त करने की दरकार है और किस तरीके से और संशोधन की आवाज भी मौजूदा कानून में जरूरी है, इसको लेकर भी महिलाएं क्या सोचती हैं वो आपने महिलाओं की जुबानी बताया। ग्वालियर जाऊंगी, शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ है। शैलेंद्र, चाहे दिल्ली की बेटी हो, बेंगलुरु की बेटी हो, काशी की बेटी हो, लखनऊ की या ग्वालियर की बिटिया क्यों ना हो, एक माँ खौफ में है अपनी बच्ची के लिए, एक पिता खौफ में है अपनी बच्ची के लिए, हर कोई इस खौफ के माहौल में है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, सरकार के मौजूदा मैकेनिज्म पर, इस सिस्टम पर सवाल उठाता है, लेकिन जो अपराधी हैं वो अपने आपराधिक मंसूबों से बाज नहीं आते हैं। एक और बेटी को देश खो चुका है, 30 साल की पीड़िता दम तोड़ चुकी है मुंबई में 33 घंटे की जंग के बाद। आपके आसपास महिलाएं हैं, अगर संभव उनसे बातचीत कीजिए। जी 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 बिल्कुल दीदी, जैसा आपने कहा कि सरकार के तमाम दावे होते हैं, तमाम ये के महिला संबंधी अपराधों को रोका जाएगा, लेकिन क्या वो दावे जो है वो हकीकत में बदल पा रहे हैं? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैम क्या सोचती हैं आप? यदि दावे हकीकत में बदल रहे होते तो प्रतिदिन लगभग 90 महिलाएं बलात्कार का शिकार नहीं हो रही होती। NCRB की आप रिपोर्ट उठा लीजिए जिसमें कि प्रतिदिन 90 के आसपास महिलाएं बलात्कार का देश भर में शिकार हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अधिक ये शर्म की बात है कि जो दरिंदे हैं वो दरिंदे इतने बेखौफ घूम रहे हैं जगह जगह। एक और निर्भया कल मतलब मुंबई में दरिंदगी की शिकार हो गई। आप ये बताइए उस बच्ची का दोष क्या था? वो बच्ची अपने घर जा रही थी, उसको पकड़कर वो किस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ है। निर्भया को जो हमारी 2012 में इतना बड़ा केस हुआ था उसको जब न्याय मिला उसमें 7 वर्ष लग गए। आज मैं यहाँ जो केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनकी सरकार से पूछना चाहूँगी, यह दरिंदा जो था ये पकड़ा गया, क्या इसको 7 घंटे के अंदर सजा हो पाएगी? और बड़े शर्म की बात है कि इस व्यक्ति को भी सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एक ऐसा रूल क्यों नहीं लाता कि जो दरिंदा है, दरिंदगी करता है, वो पकड़ा गया है तो उसको वकील ना देते, उसको सीधे सजा दी जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम क्या सोचती हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आप भी वर्किंग वूमेन हैं, निकलती होंगी सड़कों पर, किस तरह की जी सर, दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हर आए दिन सुनाई देते हैं कि इस लड़की के साथ ये हुआ, इस लेडीज के साथ ये हुआ, तो ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं और जी न्यूज इन तमाम महिलाओं की आवाज बनकर एक मंच पर आया है। कोशिश ये है कि निर्भया जैसे जो घटनाक्रम है, इस तरह की जो बर्बरता है, दरिंदगी है, किसी और बच्चे, किसी और बेटी, किसी और महिला के साथ ना होने पाए, यही कोशिश जारी रहेगी आगे भी। मैं जाऊंगी इस बीच मेरे साथ हमारे संवाददाता काशी से, वाराणसी से हैं विशांक श्रीवास्तव। विशांक, निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से 7 साल बाद इंसाफ मिलता है, तब से लेके आज तक समाज में क्या बदला है? देखिए एक और बेटी को हम खो चुके हैं और शहर दर शहर इस तरह के जो रेप के मामले हैं, गैंग रेप के मामले हैं, बच्चियों के साथ, बड़ी महिलाओं के साथ, उनमें इजाफा हुआ है। आपके साथ कुछ महिलाएं होंगी, उनसे जानिए, समझिए क्या वो सोच रखती हैं, किस तरह के बदलाव की दरकार है, चाहे कानून हो, सिस्टम हो या सोसाइटी हो।
बिल्कुल देखिए, अगर सिस्टम और कानून की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि शिक्षित समाज होगा, एजुकेटेड समाज होगा तो ये चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन आप देखेंगे ये सब हाईटेक शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, इन शहरों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर जो हमारे साथ कई जो छात्राएं हैं BHU की, हम उनसे बात करेंगे कि क्या ये सोचती हैं, इनके मन में क्या आता है कि जब ऐसे शहरों में जो कहते हैं कि बड़े बड़े शहर हैं जहाँ देश भर से लोग आते हैं और शिक्षित समाज होता है, वहाँ भी ऐसी घटनाएं होती, तो क्या कहना है आपको, आपकी क्या फील करती है? सर प्रॉब्लम हमारी जो जस्टिस सिस्टम है, ऑब्वियसली इतने सालों बाद जब हमें निर्भया के केस में जस्टिस मिली, तो व्हेनेवर कभी भी कोई सोचता है कि ओके दे कमिट अ क्राइम, उन्हें पता है कि ओके दे वुडंट बी पनिश्ड राइट अवे, 10 साल 15 साल तब तक इंसान के दिमाग में केस दब जाता है एंड जिसे जो करना रहता है वो कर लेते हैं। तो पुलिस का डर नहीं रहता है क्या? आई गेस नो। आपको क्या लगता है कि ये जो आप देखती हैं कि बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसी वारदात होती हैं, जितना हीनस क्राइम हुआ है, उस महिला जो युवती थी उन्होंने दम भी तोड़ दिया है, तो आपका क्या कहना है किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से बचाव होगा बेटियों का? बचाव इस तरीके से हो सकता है कि हमें अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। सबसे पहली बात, हम केवल लॉ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमें अपने सोच को बदलना होगा। ये नहीं है कि उनके प्रति अपने नजरियों को, स्टीरियोटाइपिंग को सबसे पहले तोड़ना होगा कि लड़कियां हैं वो बाहर नहीं रह सकती, और बाहर रह रही हैं अगर वो घूम रही हैं तो वो घूम नहीं सकती, तो ये स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ना होगा। अगर क्राइम हो रहा है उनके प्रति, जब निर्भया उसके बाद देश भर की बेटियों की आवाज़ न्यूज लगातार उठा रहा है, और इंसाफ से पहले, न्याय से पहले, जिस तरीके से मुंबई की निर्भया दम तोड़ चुकी है, उसकी आवाज़ हम बनकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कवरेज हमारी जारी रहेगी लगातार, ताकि देश की बेटी को जल्द मिल पाए इंसाफ। राजवाड़ी अस्पताल में मुंबई के वो भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी ये महिला, 33 घंटे तक जिंदगी को जीतने की जंग, उसकी कोशिश जारी रही, आखिरकार उस जंग को वो हार गई और मुंबई में रेप की पीड़ित महिला की मौत हो गई है। राजवाड़ी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया था और 33 घंटे के बाद पीड़िता की मौत की खबर, और इस खबर पर आइए आपको 10 अपडेट अब तक के बता देते हैं। साकिना का रेप, पीड़िता की मौत की खबर, अब से कुछ देर पहले खबर आई, अस्पताल में भर्ती होने के 33 घंटे के बाद साकिना का रेप, पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। राजवाड़ी अस्पताल में उसका इलाज जारी था, लगातार कोशिश जारी थी उसको बचाने की, लेकिन चूंकि इसकी हालत बेहद अस्थिर थी, गंभीर थी, लिहाजा 33 घंटे के बाद पीड़िता ने दम तोड़ा। पीड़िता से बर्बरता की बात सामने आई, दरिंदगी की बात सामने आई। पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मामले पर, साकिना का रेप मामले पर। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के पुलिस कमिश्नर की होने वाली है, और गुरुवार रात 8 बजे अपने बहन के घर जा रही थी उससे मुलाकात करने के लिए पीड़िता, उसके साथ दरिंदगी हुई, और आखिरकार अब से कुछ देर पहले 33 घंटे के बाद पीड़िता की मौत हो गई है। CCTV फुटेज सामने आया है, रेप के आरोपी का फुटेज सामने आया गुरुवार रात का, ये CCTV वीडियो बताया जा रहा है। और इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, सुनिए जरा। साकिनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले, और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये बहुत चिंता की बात है, सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो फांसी से कमतर कुछ मंजूर नहीं है, लगातार ये आवाज उठ रही है। मुंबई में रेप की पीड़िता महिला की मौत हो चुकी है, राजवाड़ी अस्पताल में 33 घंटे की लंबी जंग को ये पीड़िता अब से कुछ देर पहले हार गई है, और जी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है अपने इंसाफ की, अपने न्याय की। जो पूरी लड़ाई थी उससे पहले जो है
पीड़िता है वो दम तोड़ चुकी है। स्पीच मेरे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, बेंगलुरु से मेरे साथ जयपाल शर्मा है, साथ ही साथ शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ हैं। जयपाल शर्मा, आपके साथ कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बच्चियां मौजूद हैं, हम लगातार उनकी आवाज़ जी न्यूज़ के जरिए उठा रहे हैं। जो सिस्टम है, सोसाइटी है और जिस तरीके से कानून का खौफ है, वो चूंकि अपराधियों में रहा नहीं है, लिहाजा इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा शहर दर शहर हो रहा है। आप बात कीजिए उन महिलाओं से जो लगातार अपनी समस्या, अपने डर और कितना महफूज वो खुद को महसूस कर पाती हैं उस पर खुलकर बात रख रही हैं। जयपाल शर्मा जी, देखिए मैं जो है इस वक्त आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इस वक्त मैं जब महिलाओं से बात कर रहा था, मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई है, 55 साल की महिला है और ये खुद आगे आई हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी बात कहनी है। इनका कहना है कि 55 साल के अंदर में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब वो इस भय से, इस आशंका से कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, से ना डरी हो। माता जी आप बताइए कि क्या आप कहना चाहती थी, आप बता रही थी 55 साल आपकी उम्र है। हाँ, मेरे 55 साल की उम्र है और मैं सबसे ऐसे ही देख रही हूँ, गलते हो रहा है बेटी के साथ, पोती के साथ, मेरे भी साथ उम्र में ऐसे ही था, तो कानून कुछ करते क्यों नहीं है, ये मेरा डर कभी निकलता ही नहीं है, ये तो हमें कैसे जीना है, ये ऐसा कानून का ऐसा न्याय है, सभी कुछ बोलते नहीं है, तो अभी क्या करना है। ये आपको क्या लगता है कि जब आप अपनी उम्र में थी और जब आपकी बेटी हुई, पोतियां हुई, क्या सबको लेकर के इस तरह क्या शंका है? ये जब से ऐसे ही उम्र में मैं चल रही है, वो डर 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 निकलता ही नहीं है मेरा डर कभी है, ये क्या कानून कैसे कुछ क्यों नहीं करते है। ये जी देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ये जो भय है, ये जो डर है, ये महिलाओं के मन से कब निकलेगा, बहुत बड़ा सवाल है कि 55 साल की उम्र से ये लगातार इस तरह से देख रही है। आपको भी लगता है डर जब इस तरह की स्थितियां उभर के आती है, इस तरह की घटनाएं सामने में आती है, बहुत इस तरह ऐसी घटनाएं आ रही है। अभी मेरा मानना तो यह है कि कानून को एक दो को फांसी पे लटका दिया जाए, उसके बाद में हो सकता है कम होए और कुछ पता नहीं चलता है। बेटी तो अभी आगे भी बढ़ना चाहेगी, कॉलेज भी जाना चाहेगी, ऐसा एक्शन कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए ना, कि कुछ अच्छा होए बेटियों के लिए। जी देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कानून बना देने से बात नहीं चलेगी, वो चीज़ें समाज के अंदर पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ अगर आप कुछ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो बहुत, उसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा, और यही चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते देश का कोई भी कोना हो, महिलाएं किसी भी राज्य की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो अपने आप को। जयपाल शर्मा मेरे साथ, शैलेंद्र भदौरिया है आपके साथ। देखिए, एक 55 साल की महिला थी जो आज भी आशंका में जीती हैं, अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी पोतियों के लिए, एक डर जो दिल में घर कर गया है उसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल, दिल्ली से भी दीक्षा पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानकारी मुझे मिल रही है। इस बीच में शैलेंद्र भदौरिया के पास जाऊंगी। शैलेंद्र, 5 साल की बिटिया हो या 55 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर किसी के अंदर खौफ पसरा हुआ है, कानून का डर आरोपियों में रहा नहीं है, मौजूदा कानून में संशोधन की आवाज फिर से पुरजोर तरीके से उठ रही है शहर दर शहर, ताकि आने वाले वक्त में मैं ये खबर स्टूडियो से ना पढ़ रही हूं और आप रिपोर्टिंग ना कर रहे हो कि एक और निर्भया हमारे बीच नहीं रही। शैलेंद्र भदौरिया जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये डर इसलिए नहीं निकल रहा है कि जब भी हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी खोलते हैं तो अक्सर इस तरह की खबरें, एक भी दिन बाकी नहीं जाता जब इस तरह की घटनाएं ना हो, चाहे वह 5 साल की मासूम के साथ हो या फिर किसी वृद्ध के साथ। हमारे साथ कुछ वर्किंग गर्ल्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप भी काम करने के लिए निकलती हैं घर से, तो किस तरह के डर मन में रहते हैं और किस तरह के कानून में आप लोग बदलाव चाहते हैं? जब हम घर से निकलते हैं तो हमें डर लगा रहता है कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी ऐसा हो जाए जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, और हमारे मम्मी पापा को भी डर लगा रहता है कि हमारी लड़की के साथ में कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, तो हम इस डर के साथ में जी रहे हैं। क्या गलती है हम लड़कियों की, क्या क्यों ये सरकार नहीं सुन रही है, क्यों सजा नहीं दे रही है? जल्द से जल्द उन लोगों को सजा देना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। लड़के हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, आए दिन रोड पे शिकायत करने के लिए जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ में, कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हम गरीब होते हैं कुछ लोग, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कसूर है, क्या करें, हम रहें इस देश में या नहीं रहें? एक बड़ा सवाल है कि सवाल ये कि डर के माहौल में जीते हैं। आप बताएं कि आप भी जब काम के लिए निकलते हैं तो किस तरह का मन में ख्याल रहते हैं, और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले भी डर जाते होंगे। जी बिल्कुल, घर वाले बहुत डरते हैं जब हम निकलते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये अच्छी तो जा रही है, वहाँ से लौट के आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा इनके साथ। आज मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, वो भी पढ़ने जाती हैं, मैं भी यही सोचती हूँ कि वो घर जाएंगी कैसे, आएंगी कैसे, मतलब पढ़ने में आगे उनके साथ क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा।
यही डर लगा रहता है, आगे हम उनको कैसे बढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। आप बताइए कि आप भी वर्किंग वुमेन हैं, किस तरह से सोचती हैं, क्या बदलाव होना चाहिए ताकि आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? सरकार में ये बदलाव होना चाहिए, आए दिन ये घटना होती रहती है, तो ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होना चाहिए। मोदी अभी क्या कर रहे हैं? ग्वालियर की बेटियों की आवाज़ शैलेंद्र भदौरिया इस बंद से जी न्यूज तमाम दर्शकों तक पहुँचा रहा है। हम शहर दर शहर जा रहे हैं शैलेंद्र, हम अलग अलग शहरों का रुख कर रहे हैं। मुंबई की निर्भया के साथ जो हुआ है वो किसी और शहर की बिटिया के साथ ना होने पाए, किसी और शहर की बच्चियों के साथ ना होने पाए। लिहाजा जी न्यूज वो मंच बन रहा है उन सवालों के साथ जिसका सरोकार घर घर की बेटी के साथ है। दिल्ली जाना चाहूंगी, दिल्ली से दीक्षा पांडे को मैं देख पा रही हूँ, साथ ही साथ शिमला भी जाऊंगी समीक्षा, वहां से मेरे साथ मेरी सहयोगी है। पहले दीक्षा का रुख करते हैं। दीक्षा, दिल्ली की सड़कों पर साल 2012 में क्रांति देखी गई थी जिसकी गूंज देश के हर शहर, हर गली, हर कूचे, हर गांव तक गई थी। 7 साल के बाद दिल्ली की बेटी को, निर्भया को इंसाफ मिला। उसके बाद 2019 में हैदराबाद में एक नज़ीर सामने आती है दीक्षा पांडे, जब डॉक्टर के साथ दरिंदगी का जो इलाज है, जो पक्का इलाज है, हैदराबाद की पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर में खत्म कर दिया था। वही नज़ीर देश को चाहिए और वही नज़ीर मुंबई के मामले में भी निर्भया के साथ हुए न्याय में लगातार उठ रही है। दीक्षा पांडे। बिल्कुल निधि जी, देखिए जितनी बार भी ये वहशीपन की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हर बार हर महिला हर बच्ची यही उम्मीद करती है कि तस्वीर कुछ बदलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, लोग आक्रोश जताते हैं, महिलाओं में नाराजगी होती है, लेकिन एक बार फिर से इसी तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी भी बेटी है, डर लगता होगा जब इस तरह की घटनाओं को आप सुनती हैं? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं आज जैसे ही न्यूज़पेपर में आया है पूरा कि बॉम्बे के अंदर 34 साल की जो लेडी है उसके साथ इतना ब्रुटली जो रेप किया गया है, ये बहुत ज़्यादा हिलाने वाला है। क्योंकि हम, मेरी भी कुछ दो बेटियां हैं, बाहर निकलती हैं, हम किस समाज में रह रहे हैं ये समझ में नहीं आता। क्योंकि एक तरफ तो जो सरकार है उसका कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो उसको बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली होना उन्हें बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण का देश है ये टाइम चल रहा है, तो मैं बहुत डरती हूँ इस बात से। विकृत मानसिकता वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह की घटनाएँ एक के बाद एक हमें हर रोज़ सुनने को मिलती है, देश के कोनों कोने से सुनने को मिलती है। हाँ, इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी हमारी गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर तरीके के प्रोजेक्ट चलते हैं, स्वच्छता के बारे में है या किसी भी चीज़ का है, वो प्रोजेक्ट चलते हैं। तो एक ये प्रोजेक्ट भी होना चाहिए कि उसका रीज़न समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ है, या इन लोगों की मतलब काउंसलिंग इस टाइप का कुछ होना चाहिए। अब हम लोग जैसे एक NGO चला रहे हैं, हारमोनियस रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन, तो हमारे पास सारे स्पेशल बच्चे हैं। कुल मिलाकर इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। निधि जी, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल निधि जी, मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं, सभी की बेटियां हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर होता है। मैम, जब आपकी बेटी घर से बाहर निकलती है, इंतजार होता है कि वक्त पर घर वापस आ जाए, सुरक्षित वापस आ जाए? मैम, एक डर होता है कि सुबह हम भेजते हैं तो शाम को लगता है कि पता नहीं ठीक ठाक घर पहुंचेगी या कुछ ऐसी ट्रेजेडी बच्चे के साथ हो जाए, तो हमें मतलब हर 2 घंटे 1 घंटे के बाद फ़ोन करना पड़ता है कि बेटा आप कहाँ पर हो, कहाँ नहीं हो। क्योंकि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका कैरियर नहीं, उनका कैरियर स्टॉप है, कोई उसकी शादी करने के लिए भी उनको नहीं होगा, और ये सब काम पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ मतलब एक दुर्घटना घटी रहती है। हर 2 महीने में 1 महीने में कोई ना कोई घटना सुनते रहते हैं, आज बच्चे के साथ रेप हुआ, आज इस बच्चे के साथ रेप हुआ, लेकिन बताओ इसको समस्या का कोई हल नहीं हुआ आज तक हमारे साथ। देखिए, जब भी ये घटना होती है हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव आएगा, कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से वैसी ही घटना हमें सुनने को मिलती है, कितना खौफ पैदा करता है महिलाओं। बहुत बहुत, ये तो एकदम बिल्कुल। दीक्षा पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं मुंबई जाना चाहूंगी, अंकुर त्यागी लगातार मेरे साथ बनी है, मैं शिमला जाऊंगी, समीक्षा वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही है। अंकुर त्यागी, हैदराबाद में जो कांड हुआ था, जो दरिंदगी हुई थी, जो इंसाफ मिला था उस पीड़िता को, उसी तर्ज पर मुंबई की निर्भया को मिले इंसाफ की आवाज उठ रही है। देखिए, मुंबई में हम लगातार इस बात को देखते आ रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश बहुत है। आप भी अभी थोड़ी देर पहले जितने भी आपके पास पॉलिटिकल रिएक्शंस आए होंगे, एक सुर में हर कोई व्यक्ति इस घृणित मानसिकता का विरोध कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा, उसको गुस्सा भी इस बात को लेकर है। लेकिन सवाल सिर्फ क्या पॉलिटिकल लीडरशिप या फिर पुलिस प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, या सवाल उस समाज से भी पूछा जाना चाहिए जहां पर ये घटना घट रही थी? जब वो घटना, क्योंकि मैं जिस जो इलाका है, ये साकी नाका का जो इलाका है वो हाईली डेंसिटी इलाका है, अंधेरी में, ऐसा
ऐसा नहीं है कि वो कोई सुनसान बियाबान जंगल या इस तरह की कोई जगह हो, और ऐसे में अगर वहां पर एक टेम्पो के अंदर इतनी बड़ी घटना घट रही है तो क्या किसी ने वो आवाज सुनी नहीं या आवाज सुनकर उसको दरकिनार कर दिया? क्या हमारे बीच घट रही किसी घटना को लेकर हमारा अनदेखी करने का जो रवैया है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? ये सवाल हमें अपने आप से भी आईना बनाकर पूछना चाहिए। बिल्कुल, इस बीच शिमला से भी आवाज उठ रही है, मुंबई हो, काशी हो, दिल्ली हो, ग्वालियर हो, तमाम जगहों से देश की महिलाएं जुड़ रही हैं हमारे साथ जी न्यूज़ के मंच पर, अपनी आवाज अपनी बातें रख रही हैं। इस बीच शिमला की बेटियां क्या कहती हैं, समीक्षा आप बताएं, आप उनसे बात कीजिए। शिमला से मेरे साथ समीक्षा है, समीक्षा आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। आपके आसपास महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे बात कीजिए समीक्षा। इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने आती तो वाकई में दिल दहला देने वाली होती है, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम पे एक महिला चाहे वो खेल के मैदान में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हर स्थान पर एक बेहतरीन कार्य कर रही है, लेकिन इस तरह की जब भी घटनाएं होती है तो वाकई में एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर इस मैदान पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कुछ कॉलेज की छात्राएं मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कॉलेज जाते वक्त या फिर किस तरह महसूस करती है? तो जैसे कभी कभी हम लेट हो जाते हैं रात को तो हमें अकेले जाने में भी डर लगता है कि घटनाएं देखकर कि सरकार भी कुछ नहीं कर रही है इस मामलों में, हम देख रहे हैं मीडिया बट क्या उम्मीद जाती है केस को लेकर कि अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, अभी भी रेप के केसेस हो ही रहे हैं, तो हमें ताकि हम सेफ है इस तरह से कहीं पर भी किसी भी वक्त। किस तरह के बदलाव और न्याय व्यवस्था की उम्मीद करती हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ नियम बनाए इन सब के चीजों के चलते हुए और रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि अगर कोई समीक्षा मतलब कहीं पे देखते हैं बाहर देखों में देखते हैं तो बहुत तो मुंबई की निर्भया के लिए न्याय की मांग देश के हर एक शहर से उठ रही है और जी न्यूज इस मंच के जरिए उस आवाज को जगह जगह तक पहुंचा रहा है ताकि आने वाले वक्त में देश में किसी और निर्भया की सांसें ना टूटे। इस खास पेशकश में हमें रुकना होगा, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ अलग अलग शहरों से जुड़े थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।